अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी रिव्यू करने जा रहे हैं और उस कहानी में हम देखेंगे कि जो कंटेक्चुअल एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किए हैं जिसमें करेक्टर्स को विजुअली अट्रैक्टिव भी होना चाहिए सिंपल भी होना चाहिए बच्चों की एज के मुताबिक भी होना चाहिए जॉयफुल एंथ्यूजिक भी होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए जो बच्चों की फीलिंग थॉट्स और उनके एक्शन और बिहेवियर से मैच करती हो तो कहानी कैसी कहानी होनी चाहिए आज हम एक ऐसी ही कहानी को रिव्यू करने जा रहे हैं और देखेंगे कि वो कहानी कैसे चलती है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है आपके सामने कहानी का रेफरेंस मौजूद है और कहानी का नाम है डोंट लेट द द पिजन ड्राइव बस तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं आपके सामने ड्राइवर ड्राइवर मौजूद है और वो जो कुछ कह रहा है वो ना सिर्फ पिक्टोग्राफिक के थ्रू क्लियरली बताया गया है दिखाया गया है बल्कि वर्ड्स को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है डिस्टेंस में लिखा हुआ है ताकि जो बच्चा किसी वर्ड को ना समझ सके वो तस्वीर देख के समझ जाए so kahasi kahani hai, hey i am the bus driver i am leaving for some time please wash the bus and remember don't let the pigeon drive the bus and then driver chala gaya and here the pigeon guy i thought he didn't never leave ah uh, hey can i drive the bus please i will be careful आई कैन यू वॉट आई विल जस्ट माइ कजन हर्ब ड्राइव द बस ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू स्टोरी सो अब ये देख रहा है कि बाकी लोग इसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते बड़ी ही प्यारी सी मासूम शक्ल बना के वो द व्हील नो आई नेवर गेट टू डू एनी थिंग आई हैव एन आइडिया लेट्स प्ले ड्राइव द बस आई विल गो फर्स्ट और आप यहां देख सकते हैं पिजन क्या कर रहा है ऑन द वेरी लेफ्ट पेज आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड आई विल गिव यू फाइव डॉलर द बिग डील इट जस्ट अ बस आई हैव ड्रीम्स यू नो फाइन लेट मी ड्राइव द बस अब पिजन वैसे ही मैड हो गया है जैसे दो से चार साल तक के बच्चे की बात जब आप नहीं मानते और वो आपको तमाम तरीके से कन्विंस कर देता है कि मैं ये कर सकता हूं और आप उसे रोकते हैं तो उसके बाद बच्चे कुछ ऐसा ही करते हैं लेट मी ड्राइव द बस और उसके बाद पिजन को एहसास होता है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा या वो जो कह रहा है उसे कन्विंस नहीं हो रहा इतनी देर में बस ड्राइवर आ जाता है और पिजन उसको देख के क्या करता है और कैसे रिएक्ट करता है वो आपको नजर आ रहा है डिड यू लेट द पिजन ड्राइव द बस एंड एवरी बॉडी प्रॉबेबली से नो और उसके बाद ड्राइवर जो है वो उनको थैंक यू कहता है और उसके बाद वो पिजन को कहता है बाय बाय पिजन और उसके बाद एक नई बस आ जाती है और पिजन अपने मोटिवेशन से दूर नहीं होता आ, वो नई बस देखता है उसके नए ख्वाब होते हैं कि शायद ये मुझे ड्राइव करने दे और फिर वो ने कहता है हे सो so, आप ये देख सकते हैं इस कहानी में कि बच्चों की नेचर से उनके इंटरेस्ट से उनके एक्शन और बिहेवियर्स से ये स्टोरी कितनी रिलेट करती है स्पेशली जब 2 से 4 साल तक के बच्चे अपनी बात आपसे मनवाने जा रहे हूँ तो इस कहानी में फ़न भी है इंजॉयमेंट भी है सिंपल कैरेक्टर्स भी हैं लाइंस और कलर्स भी बहुत सिंपल हैं जो बच्चे बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच